देखो ये है इनक्रेडिबल इंडिया। देखो ट्रेन के डिपार्चर से पहले इसमें ये यहाँ एक काम करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर पूजा होती है। देखा यहाँ पर आपको मिलेंगे एकदम फ्रेश महाराष्ट्र के गर्मा गर्म वड़ा पाव, और ये हो गए दाल वड़ा, है ना भैया? जल्दी जल्दी करना, ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, अब मैं सीधा, सोचिए सीधा मुंबई आऊँगा गणपति पर। ये है ट्रैवल ब्लॉगर की लाइफ। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी 31 अगस्त, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है CSMT के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से। सुबह के बज रहे हैं मान लीजिए कुछ 7:30। अगर आपको याद हो 20 दिन पहले लगभग मैं करके आया ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, फैमिली के साथ टाइम बिताया। आपको पता ही है नई नई शादी हुई है, और फाइनली अब एक और सफ़रनामा के लिए तैयार, और इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सोलो। आपको बता दूँ ऑफिशियली लगभग मान लीजिए ये वाला जो मेरा टूर है 17 से 18 दिन का टूर, आपके सामने बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज, ट्रैवल वीडियोस और लॉन्ग जर्नीज आपके सामने। शुरू करें, ये देखिए सुबह सुबह का CSMT स्टेशन का आप माहौल देखिए। शुरू करें, आपको स्टाइल बता दो, कमान हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं #IndianRailways के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। कोच है आगे की तरफ, तो ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, और सच में ब्लॉगिंग मैंने मिस की। वही होता है यार, 20 दिन का गैप हो जाता है, सोचो 20 दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अब मज़ा आएगा। चैनल पर बनिए रहिएगा, और पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज आपके सामने अब आएगा बैक टू बैक कॉन्टेंट। अब तक आप समझ ही गए होंगे, इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12534 डाउन पुष्पक एक्सप्रेस की जर्नी, ऑपरेटेड बाय नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज। पुष्पक, इस ट्रेन को नाम कहाँ से मिला? तो नाम मिला रामायण से, द चैरियट ऑफ रावण। पहले इसमें ICF कोचेस थे, फिर आई गेस 2021 में इसमें LHB कोचेस लगाए गए। हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी कुछ अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर। पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, और बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास में, तो व्लॉग देखिए, खाना पीना, रूट कौन सा हम कवर करेंगे, हम जाएंगे वाया भोपाल, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, पूरी वर्चुअल ट्रेन जर्नी। और अगर आप मुंबई टू लखनऊ के लिए ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हैं, देन दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। कोच देख लीजिएगा, मेरा फर्स्ट क्लास H1 बिल्कुल आगे की तरफ है, अभी तो आई गेस कोच ओपन भी नहीं किया है। सबसे पहले वो लोको लगाया जाएगा, तो पहले आपको कपलिंग वगैरह दिखा दूँ, पूरी बातचीत करेंगे। बट आप मुंबई का अब वेदर देखिए, मज़ा आएगा, व्लॉग देखिए। उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी, आपके सामने पुष्पक एक्सप्रेस का जनरेटर कार देख लीजिएगा। ये हो गया 12533 जो अप है, और मैं जा रहा हूँ 12534 डाउन। लगभग मान लीजिए 22 घंटे की जर्नी, अगर आप देखोगे ट्रेन में सब लगेज वगैरह लोड किया जा रहा है, वहाँ पर आप लोकल देख सकते हो, स्टेशन हो गया। जोन आपको बता दूँ, दिस इज सेंट्रल रेलवे है, यहाँ से आप वंदे भारत भी बोर्ड कर सकते हैं, शिरडी वंदे भारत, सोलापुर भी है, और उस तरफ आप देखोगे हमारा Web 7। बस मैं वेट कर रहा हूँ लोको वहाँ से आ जाए, तो आपको कपलिंग दिखानी है। यहाँ से ऑफिशियल डिपार्चर है कुछ 8:25 का, तो अभी लगभग मान लीजिए आधा घंटा हमारे पास है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बट आप देखिएगा इतने टाइम बाद एक ट्रेन जर्नी, और जैसा मैंने आपसे कहा अब व्लॉग्स देखिएगा बैक टू बैक। और ध्यान रखिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर आपके सामने एक्सक्लूसिव BTS अब आने वाले हैं। ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 15, और ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 14। आई गेस वहाँ से और कोई ट्रेन, वो कोल्हापुर वाली डिपार्ट होने के लिए शायद तैयार है। देखिए मस्त क्या लगता है स्टेशन, ज़बरदस्त। #आमची मुंबई से डिपार्ट होने के लिए तैयार। डिस्टेंस हम कवर करेंगे आप मान लीजिए अराउंड 1500 किलोमीटर्स, एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी कुछ 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सोचिए आज है 31 अगस्त, आप कह लीजिए रक्षाबंधन, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ। अब आप देखिएगा, अब मैं सीधा, सोचिए सीधा मुंबई आऊँगा गणपति पर। ये है ट्रैवल ब्लॉगर की लाइफ। सिर्फ फेस्ट मतलब नसीब मानिए कि फेस्टिवल तो एटलीस्ट फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने को मिलते हैं, और वर्ल्ड कप आने वाला है आपको पता ही है,
तो सच बता रहा हूँ आपको, प्रिपरेशंस वर्ल्ड कप के लिए भी चल रही हैं। इस बार कोशिश है कि आपको वर्ल्ड कप के मैचेस भी, उसके भी व्लॉग बनाए जाएं। लेट्स सी अगर टिकट्स हाथ में आती हैं क्या। और आपको बता दूं, अगर आपने फेसबुक पेज अब तक फॉलो नहीं किया है ज़रूर कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बिकॉज एक्सक्लूसिव BTS एक्सक्लूसिव छोटी शॉर्ट वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बस यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार, और पहले जाएंगे लखनऊ। लखनऊ से कहाँ आगे आप देखते जाइएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि एवरीडे व्लॉग्स अब अपलोड कर पाऊँ, बट लेट्स सी क्या होता है। आप आगे की तरफ देखेंगे तो हमारा लोको लग चुका है, बट अभी ट्रेन में पावर ऑन नहीं किया गया है। सो दिस इज़ फर्स्ट क्लास कोच। इस तरफ हो गया आपका सेकंड AC। तो अगर आप पुष्पक में ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए फर्स्ट क्लास का जल्दी सी मैं छोटा सा टूर बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। फर्स्ट क्लास का आपका इंटीरियर कैसा है, इस तरफ आप देखिएगा। फर्स्ट क्लास आप देख सकते हो, जिसमें आपको एक गैलरी मिलती है, और इसमें दो ऑप्शन होते हैं। ये होता है केबिन का, जिसमें आपको चार का ऑप्शन मिलेगा, ये देख लीजिएगा, इस तरफ अपर लोअर। और जब भी आप टिकट बुक करेंगे, बुक करते समय आपको सीट नंबर नहीं मिलेगा, जब ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होता है तब सीट नंबर आपके पास थ्रू SMS उसमें आएगा। वो केबिन हो गया, और इस तरफ आप देखोगे सो ये हो गया कूपे, जिसमें आपको दो का मिलेगा। तो अगर आप कपल में टिकट बुक कर रहे हो, दो टिकट बुक कर रहे हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको कूपे ही मिले। सरप्राइजिंगली आपको बता दूँ, अभी से ही काफ़ी पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास में यहाँ से बोर्ड कर चुके हैं। आप देखोगे कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। अब रेलवेज ने मेरे को कौन सा दिया है, रेलवेज ने मेरे को दिया है दिस इज़ F, और अगेन केबिन दे दिया, ये इन्होंने मेरे को दे दिया 15 नंबर लोअर। आपको बताइए रेलवेज, मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ, रेलवेज मेरे को कूपे कभी नहीं देती, किस्मत अच्छी हुई तो बात अलग है। तो आप देख लीजिए, यहाँ मैंने लगेज रख दीजिए है बाहर का, ज़रा व्यू भी आपको दिखा दूँ। और इस तरफ बाहर चलेंगे, इस तरफ देख लीजिएगा, यहाँ पर ये भी हो गया, और ये आपके यहाँ पर जो अटैच नॉर्मली जो आपको वॉशरूम मिलते हैं वही आपको इंडियन रेलवे के ये हो गए वॉशरूम। तो पूरा ये मैंने आपको दिखा दिया फर्स्ट क्लास का टूर। तो अगर आप कोच की मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखोगे, दिस इज़ 22, तो मतलब मुश्किल से एक साल पुराना ही कोच है। सो दिस इज़ ऑसम टू ट्रैवल। आई गेस कुछ आगे मे बी शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी भी कोच में लाइट ऑन नहीं की गई है, AC ऑन नहीं किया गया है। लोको लग चुका है, और ना जाने कितने दिन बाद आपको लोको दिखाया गया। पीछे जो आप देख रहे हो अभी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, ये हो गई तिरुपति कोल्हापुर मुंबई सुपर फास्ट। डिपार्चर टाइम जो बताया 8:25 का, बट मेरे को आपको फर्स्ट क्लास का। जी सर, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहाँ तक ट्रैवल करने वाले हैं? लखनऊ तक। तो इसमें आपको पूरी जर्नी दिखाई जाएगी। एक कोशिश ये है फर्स्ट क्लास का, आपको ज़रा इंटीरियर और दिखा दूँ, अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। और इस जर्नी के लिए मैंने कितना पे किया है पूरा व्लॉग देखते जाइए, आपको आगे कॉस्टिंग बताई जाएगी। पेंट्री कार कोच है, खाना पीना क्या सर्व होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा, और CSMT से एक और ट्रेन जर्नी आपके लिए। दिस इज शार्प 8:30, और ट्रेन देख लीजिए प्लेटफॉर्म 15 से ऑलरेडी रवाना हो चुकी है। गर्मी की वजह से मैं अंदर बैठा हुआ था। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट, या मैं कहूँ आपके लिए रेलटेनमेंट। और आप देखिएगा आपके सामने राजधानी फर्स्ट क्लास, वंदे भारत एग्जीक्यूटिव, सब बैक टू बैक जर्नी जाएंगी। और इतने दिन बाद ट्रेन जर्नी करने के लिए मैं खुद, आप सोचिए कितना एक्साइटेड हूँ। वहाँ आप देख सकते हो मुंबई की लोकल ट्रेन। एकदम मस्त, ये मानिए जर्नी चल रही है। मैं सुबह ट्रेन बोर्ड करने के लिए सुबह उठाऊँ लगभग 5 बजे का, और अब लगी है भूख, बिकॉज इस वाली ट्रेन में आपको मिलता है पेंट्री कार कोच। तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं, आपको बता दूँ टिकट में खाना पीना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो आप अपना घर से ला सकते हो, बिकॉज मेरे को व्लॉगिंग करनी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर लिया, आपको बता दूँ, एक लिया है पोहा,
एकदम मस्त फ्रेश पेंट टिकाना बनाया गया है। प्लस उसके संग मैंने यहाँ पर ऑमलेट भी लिया है। ऑमलेट की कॉस्ट है 50 रुपीज़, पोहा दिया है 40 रुपीज़ का। सबसे अच्छी बात है गर्म है और बिल्कुल पेंट्री कार में, तो मस्त है। इस बात का ध्यान रखिए अगर आप इस वाली ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, पानी की बोतल वगैरह भी हो गई। बट आप ये सोचिए पेंट्री कार कोच लगभग यहाँ से 5th या 6th कोच है, तो जो भी स्टाफ है पूरा इतना चल के आना आप सोचिए। और थर्ड एसी का आपको बता दूँ, थर्ड एसी नहीं है, थर्ड एसी इकोनॉमी कोच है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा इनकेस ये देखो स्टेशन पे स्टेशन स्किप होंगे, अगर आपका बाई चांस बजट अच्छा है तो फर्स्ट क्लास ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। और राजधानी के फर्स्ट क्लास व्लॉग भी आपके सामने है बहुत जल्द। पोहा खाने दो। और बाकी जितनी ट्रेन जर्नीज मैंने अब तक की हैं सबका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए, जितना देखना चाहे। टीटी सर आ जाएं, टीटी सर से बातचीत करेंगे कि भैया कौन पैसेंजर कौन से स्टेशन से आने वाला है। फिलहाल अगर आप देखोगे पूरे केबिन में मैं अकेला हूँ। कसारा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपका स्वागत है। ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, आपको पता ही होगा। अब आगे पड़ेंगे घाट्स, तो इस वाली ट्रेन में पीछे लगाए जाएंगे बैंकर, बिकॉज मैं हूँ बिल्कुल आगे की तरफ। तो पीछे का देखो आपको बैंकर्स का तो दिखा नहीं पाऊंगा, पहले भी ना जाने मैंने आपको कितनी बार वो चीज़ दिखाई है। तो व्लॉग चैनल पर लाइव हैं, आप वो देख लीजिएगा कि कसारा घाट पर किस तरह से बैंकर लगाए जाते हैं। फर्स्ट एसी कोच अभी मानिए लगभग पूरी तरह से फिलहाल तो मैं कहूँगा खाली जा रहा है। तो यहाँ पर लगभग 10 मिनट का स्टॉप मिलेगा अब कसारा पर। याद रखिए इनकेस आप कसारा क्रॉस कर रहे हो, महाराष्ट्र के वड़ा पाव बिल्कुल मत भूलिएगा। और महाराष्ट्र में अब फिलहाल तो बारिश नहीं है, आगे कोशिश करूँगा घाट में आपको थोड़ा बहुत सेक्शन मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। लेट्स सी, बस मतलब 5 से 10 मिनट का यहाँ पर सिर्फ हॉल्ट मिलेगा। और कसारा तो मैं जब भी आता हूँ ना, मतलब सब यादें ताज़ा हो जाती है। मैंने आगे जो पहली जर्नीज की थी सेंट्रल रेलवे जोन में, उनका तो खैर मज़ा ही अलग है। देखो पीछे अगर आप देखोगे वहाँ पर वो बैंकर्स हैं, पीछे लगाए जाएंगे ताकि ट्रेन को थोड़ी सी और पुश मिले आराम से, क्योंकि घाट अभी हमको एक घाट सेक्शन पूरा चढ़ना। वन 2534 अब पहुंची है महाराष्ट्र के नाशिक डिस्ट्रिक्ट इगतपुरी स्टेशन, कोड हो गया IGP। सबसे पहले आपको बता दूं हमारी ट्रेन के लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर को चेंज किया जाएगा। स्टेशन की शुरुआत हुई थी 1865 के आसपास और फिर आप कह लीजिए 1930 में इसको इलेक्ट्रिफाई किया गया। आपको यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इंडिया की बेस्ट ट्रेन जर्नीज करनी है, मानसून में करनी है, ये वाला रूट मत भूलिएगा। आपने देखा ना, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन मैंने आपको बहुत लिमिटेड कंटेंट दिखाया है। सोचिए मॉनसून में इस रूट को मेंटेन करना, और महाराष्ट्र में आपको मिलेगा कोकण रूट, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। इगतपुरी स्टेशन की बात करें, यहाँ से क्रॉस होती है अराउंड 130 ट्रेन, तो यहाँ पर लगभग मान लीजिए 5 से 10 मिनट का हॉल्ट। ट्रेन मेरे हिसाब से लगभग ऑन टाइम है। एक बार बैंकर्स जो पीछे लगाए गए थे कसारा घाट पर, वहाँ पर कसारा स्टेशन पर वो निकल जाएँ और फिर यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार। पहले भी मैं स्टेशन पे काफ़ी कई बार आया हूँ, और एक्चुअली क्या है कोच फर्स्ट क्लास बिल्कुल आगे की तरफ है, तो आपको पीछे का प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। पैसेंजर्स जो को पैसेंजर्स हैं साथ में बता रहे हैं कि भैया ट्रेन ऑन टाइम जाती है ज़्यादातर, देखते हैं। अब सोचिए पुष्पक एक्सप्रेस रन होती है एवरी डे, आप सोचिए इसकी कितनी रैक होंगी सवाल तो ये है। दो दे दो वड़ा पाव दे दो मेरे को। ये देखो अगर आप जब भी इगतपुरी आ रहे हैं ये मत भूलिएगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे एकदम फ्रेश महाराष्ट्र के गर्मा गर्म वड़ा पाव। और ये हो गए दाल वड़ा है ना भैया, जल्दी जल्दी करना, ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया है ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलो भैया खाली 2 वड़ा पाव लो आगे दे देखो। और देखो ये चटनी हो गई इस तरफ, और ये वाली कौन सी चटनी है भैया, ये
खोपरा सिंगदाना, मैंने दो वड़ा पाव ले लिया भाई साहब, मजा आ गया, गर्मा गर्म है ना एकदम। चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पर ट्रेन जर्नी चल रही है, कहा ना ये है ट्रेन जर्नी का मजा। नासिक डिस्ट्रिक्ट की थर्ड लार्जेस्ट सिटी यानी कि मनमाड़ में आपका स्वागत है। कोड हो गया MMR। आप देख लो यहाँ पर आप दो डीजल लोगों को देख सकते हो। प्लेटफॉर्म नंबर हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। मुंबई और मनमाड़ के बीच अगर आप देखोगे, ये मानिए वीकली लगभग मोर देन 51 ट्रेन्स। 2021 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी कुछ अराउंड 80,000। और जो सबसे बड़ा फैक्ट है मनमाड़ का, आपको बता दूँ यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर एम्प्लॉयड हैं आइदर इनटू सेंट्रल रेलवेज या फिर FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मनमाड़ से कौन कौन ये व्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा। फर्स्ट क्लास से आप बाहर आइए और देखो यहाँ, मैं सोच रहा था महाराष्ट्र में बारिश मिलेगी आगे वेदर कहीं अच्छा मिलेगा, बट आप यहाँ ये धूप देखो, बट मज़ा आ रहा है। इतने दिन बाद दिन की जर्नी करके मज़ा आ रहा है। अभी तो आप देखिएगा आगे आपके सामने बैक टू बैक फर्स्ट क्लास की जर्नी जाएंगी। और आप देखिए महाराष्ट्र, अभी हम स्टेट चेंज करेंगे, दूसरा एंटर करेंगे, देखते जाइएगा। मनमाड़ में आया था भारत ज्योतिर्लिंग की ट्रेन यात्रा में, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है पूरी देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बढ़िया यार, स्टेशन पे नीचे थोड़ी वॉक वगैरह तो होती है। ट्रेन ने पकड़ी रफ्तार और अगर आप देखोगे अभी भी फर्स्ट क्लास का केबिन मेरा पूरा खाली। और यहाँ पर अब वक्त है लंच का, कुछ दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। यहाँ पे पहले आपको छोटा सा फूड नामा दिखा दूँ, ये आपके लिए पिकल हो गया, ये राइस, ये पनीर की सब्ज़ी है, ये एक ही सब्ज़ी है वो ये इन्होंने अलग अलग सेक्शन में डाल दी है, ये दाल हो गई। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सूखी आलू की सब्ज़ी प्लस ये यहाँ पर ये चपाती दी गई है। मैं भैया से बात कर रहा था, केटरिंग वालों से बता रहे थे कुछ अराउंड 80 थाली प्रिपेयर की गई है। वेज में आपको ये मिलेगा, नॉन वेज में यहाँ पर आपको बता दूँ एग करी भी है प्लस चिकन भी है, चॉइस इज़ योर्स। तो अगर आप ये वाली ट्रेन जर्नी करने वाले हो, खाने पीने की चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल पेंट्री कार में खाना आपके लिए फ्रेश बनाया गया है। मैंने थाली मनमाड़ के बाद ली है और खाना एकदम, मैं तो यही कहूँगा खाना ठीक ठाक है। और यहाँ पर इन नज़ारों के संग बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यही है कि भैया मैं सोच रहा था हल्की वुल्की बारिश तो मिलेगी, आई नो अब टाइम जा चुका है, बट स्टिल खैर कोई बात नहीं। बट बाहर का वेदर आपको क्या बताऊँ, बाहर जो धूप है ना पूछिए मत। चलिए नज़ारों के संग अब अपना ये लंच एंजॉय करते हैं। अपना मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को तो ट्रेन में खाना टाइम पर मिलता रहे, मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। दाल बढ़िया है, सूखी सब्ज़ी बढ़िया है, बट जो ये पनीर की सब्ज़ी है आपको सच बताऊँ, पनीर की सब्ज़ी में दूर से ही तेल आपको नज़र आ ही रहा होगा। सब्ज़ी टेस्टी है बट वही है ऑयली कुछ ज़्यादा ही कर दी है। और ट्रेन जर्नीज में ध्यान रखिए, जब आप इतनी बड़ी लंबी जर्नी कर रहे हैं लगभग 22 से 23 घंटे की, खाने पीने का ध्यान रखिएगा और कंटिन्यूसली विंडो पर मत देखिएगा, अदरवाइज आपको वॉमिटिंग होगी। सच में कभी कभी तो सोचिए मसाले भी ज़्यादा ही हैं, कभी कभी तो मेरे को खुद ऐसा होने लगता है, और जबकि मैं इतनी ट्रेन जर्नीज करता हूँ। तो अब ये लंच इन्जॉय करेंगे, अब आगे देखते हैं आपसे कहाँ मेरी मुलाकात होती है। रेलवे, इंडियन रेलवेज का खाना लगभग 20 दिन बाद, इससे पहले मैं था भारत गौरव ट्रेन में, आपको पता ही होगा, बट ये खाना आपसे इतना ही कहूँगा आई मिस्ड। सफ़र की शुरुआत की थी महाराष्ट्र से, लगभग आप मान लीजिए 570 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब सफ़रनामा पहुँचा है, ये हो गया मध्य प्रदेश, स्टेशन हो गया खंडवा जो लोकेटेड है 330 मीटर्स अबव द सी लेवल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, अगर आप ये वाली ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हो, मैं कुछ स्टेशंस स्किप कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं देखते जाइएगा। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का अब TT स्टाफ चेंज होगा,
कॉस्टिंग आपको बता दूं, थर्ड एसी इकोनॉमी का है कुछ अराउंड 1500, सेकेंड एसी का है 2400 और फर्स्ट एसी मैंने कितना पे किया है फ्रॉम मुंबई टू लखनऊ मैंने पे किया है 4000 रुपीज़। तो कॉस्टिंग वगैरह भी मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग्स बाकी सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप एक बार फिर से आ गए मध्य प्रदेश, मैं पहुँचूँगा उत्तर प्रदेश और वहाँ से फिर आप आगे देखते जाइएगा, बैक टू बैक व्लॉग्स आपके सामने। हार्डली 3 मिनट्स का स्टॉप दिया गया है, लगभग ये मानिए बिल्कुल राइट टाइम हमारी पुष्पक एक्सप्रेस चल रही है, बिल्कुल आगे की तरफ कोच आप देख लीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर देखना पड़ेगा कौन सा है, मध्य प्रदेश का आपको बता दूं एरिया वाइज सेकंड नंबर का स्टेट और पॉपुलेशन वाइज ये हो गया 5th नंबर का स्टेट। इंडिया के 8th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन यानी कि हम पहुंचे हैं इटारसी, कोड हो गया आपका ET। अभी हम चले थे सेंट्रल रेलवे जोन से, अब हम आ गए वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में। ये मानिए इतना बिजी स्टेशन, यहाँ से एवरी डे लगभग मैं आपको बता दूँ मोर देन 400 ट्रेन्स पास होती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक लोको शेड जहाँ पर बहुत सारे लोकोज भी आप देख सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, इटारसी जंक्शन में आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। टाइम था 7:25 का, हम आए हैं 7:50 पर, वो तो बिफोर टाइम थी, उसको आउटर पे ही ट्रेन को रोक दिया गया था। 1, 2, 5, 3, 4 डिनर चाहिए तो आप बाहर से ले लीजिए, अदरवाइज पेंट्री में फ्रेश बनाया जा रहा है, मैंने वहीं ऑर्डर किया है। देखते हैं क्या क्या आएगा, आप देखिएगा यहाँ पर मस्त एकदम जर्नी चल रही है दोनों स्टॉप के बीच। ये वालों मैं तो सो जाता हूँ फर्स्ट क्लास में, अभी भी पूरा का पूरा केबिन खाली। करंट वक्त आपको बता दूं दिस इज 8 o'clock और अगर आप देखोगे अभी भी पूरा का पूरा केबिन खाली है। सोचिए मुंबई से अब तक किसी पैसेंजर ने बोर्ड नहीं किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। लंच में मैंने आपको दिखाई दी वेज थाली, अब यहाँ पर लिए मैंने अंडा करी थाली, प्लस आपको अगर चाहिए तो आपको चिकन थाली भी मिल जाएगी। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने अंडा करी थाली ली है। राइस देख लीजिएगा, ऑफ कोर्स एज यूजुअल इसमें ऑयल ज़्यादा है। यहाँ पर आप दाल देख सकते हो और इस तरफ दोपहर को भी यही शायद आलू की सब्जी दी गई थी। यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये 3 पराठे और राइस की क्वान्टिटी देख लीजिए, प्लस ये हो गया पिकल। वो ये यार पेंट्री कार में फ्रेश बनाया जा रहा है। अब वो ये मैं बाहर से भी ऑर्डर कर सकता हूँ बट बिकॉज अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले तो इस ट्रेन का खाना कैसा है वो आपको दिखाना ज़रूरी है। अगर आप देखोगे लिटरली अंडा ग्रेवी में ऑयल कितना है। खैर कोई बात नहीं भाई, जो खाना अच्छा सा मिल जाए वो खा लीजिए बस, और क्या है। बट मैं तो यही कहूँगा फ़िलहाल के लिए इतना ही ठीक है। आप कहोगे भैया टेस्ट करके बताओ, आपको मैं क्या ही टेस्ट करके बताऊँ, मतलब ये मानिए मेरे को स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट ये अंडा करी ये तो ऐसा लग रहा है इसमें बिल्कुल डबल डबल मसाले डाल दिए हैं। गरम टेस्टी भी है बट वो ये अपने स्वाद के हिसाब से। दाल भी एक बार ज़रा मैं टेस्ट कर देख लूँ, दाल भी सब कुछ बढ़िया। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब अपना डिनर एंजॉय करेंगे, देखते हैं बाहर के तो नज़ारे अब आपको लिमिटेड ही दिखा पाऊँगा। और इतने दिन बाद मैं दिन की ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ तो सच में शायद आपको थोड़ी सी थकान लगे। एक जगह है भारत गौरव की ट्रेन जर्नी, एक जगह है सुपरफास्ट की फर्स्ट क्लास ट्रेन जर्नी और एक जगह है राजधानी की फर्स्ट क्लास ट्रेन जर्नी। मतलब कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। सोचिए 4000 रुपये दिए, खाना पीना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं, खाने पर मैंने लगभग 400 से 500 रुपये खर्च कर दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्वागत है। ट्रेन लगभग कवर कर चुकी है 850 किलोमीटर्स, स्टेशन कोड हो गया दिस इज़ BPL। सबसे पहले आपको बता दूँ लोको पायलट ट्रेन मैनेजर चेंज होंगे, पूरी टीटी टीम जो स्टाफ है पूरा चेंज होगा। वाटर रिफिलिंग लगभग 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है।
15 से 20 मिनट ट्रेन हमारी आप कह लीजिए लेट चल रही है, और मैंने देखा जो मेरे केबिन में पैसेंजर हैं वो यहाँ से भोपाल से बोर्ड कर रहे हैं। अब आपको बता दूँ यहाँ से मैं सब स्टेशन स्किप करने वाला हूँ, अब मेरी आगे सीधी मुलाकात होगी आपसे, मोस्टली मेरी डेस्टिनेशन कल सुबह देखते हैं आपसे कहाँ मुलाकात होगी। स्टेशन कोड हो गया BPL, वंदे भारत उधर से आ रही है भोपाल वंदे भारत। कोशिश करूँगा अगर मैं वो आपको रात में, देखो रात में दिखेगा तो नहीं, बट कोशिश करेंगे अगर वो आपको दिखा पाऊँ। कोच बिल्कुल आगे की तरफ भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। भोपाल से कौन कौन ये ब्लॉग देख रहा है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मज़ा आ रहा है इतना ही कहूँगा जर्नी में। बिल्कुल कोच आगे की तरफ भोपाल वंदे भारत का, यहाँ का जो क्रॉसिंग टाइम है वो है 10:06, राइट नाउ इट इज़ 9:45। भोपाल वंदे भारत, हबीबगंज वंदे भारत आप कह लीजिए, इंडिया फास्टेस्ट वंदे भारत, इंडिया की इकलौती वंदे भारत जो टच करती है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मतलब ये मान लीजिए कभी भी वंदे भारत अब यहाँ से क्रॉस हो सकती है, अगर ये ट्रेन 10 मिनट अगर यहाँ खड़ी रही ना, आप देखिएगा यही वंदे भारत का क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा। लेट्स सी अगर आज लक साथ दे गया लेता है क्या। एक्साइटमेंट बहुत है बट देखते हैं क्या वंदे, आपको क्या लगता है क्या वंदे भारत देखने को मिलेगी भोपाल वंदे भारत। जर्नी मैं कर चुका हूँ, इनॉग्रल जर्नी मैंने की थी, ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जितनी वंदे भारत की मैंने जर्नीज की हैं देखिए जितना देखना चाहें, देखो वाटर रिफिलिंग वगैरह, ट्रेन में साफ सफाई। और मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो, स्टेशन पर हो, प्लेटफॉर्म पर हो, प्लीज़ आसपास साफ सफाई बनाए रखें। देखिए रात का भोपाल का क्या मस्त लग रहा है स्टेशन। भोपाल स्टेशन हमने क्रॉस कर दिया और आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपसे कहा था ना हार्डली 10 मिनट का गैप है। अगर आप देखोगे दिस इज़ आपको बता दूँ 20172 न्यू दिल्ली भोपाल। अब देखो हमारी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, थोड़ा केयरफुल रहेंगे, गेट पर मैं हूँ, देखिएगा इस तरफ मैंने आप पीछे सिग्नल दे रखा था, सिग्नल ग्रीन दे रखा था। आप देखिएगा वंदे भारत कितनी रफ्तार में जाएगी, अब आप देखिएगा ये आपके सामने फाइनली यहाँ पर इंडियाज फास्टेस्ट वंदे भारत। ये देखिए काश थोड़ा सा भाई भोपाल पर होता ना मजा आता आपके सामने, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया की ओनली वंदे भारत जो क्रॉस करती है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आप देखिए रफ्तार देखिए भाई साहब क्या मजा आ गया यार, मजा आ गया। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं, आप वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा मैंने आपसे कहा था सीधी मुलाकात होगी लखनऊ जंक्शन, हम पहुंचे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। करंट वक्त आपको बता दूं दिस इज 7:40, लगभग मान लीजिए आप राइट टाइम पुष्पक एक्सप्रेस पहुंची है अपनी डेस्टिनेशन। अब यहां से डिपार्चर मुंबई के लिए आई गेस इसका है शाम को, ठीक है ना, तो लगभग 2200 किलोमीटर की मेरी जर्नी होती है ख़त्म। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है ना, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे संग वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। आप देखिए सुबह सुबह लखनऊ उतरे, कोशिश करनी कि लखनऊ से आपके लिए एक फूड व्लॉग मेरे को ज़रूर बनाना है, ठीक है ना। बस मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, टाटा टेक केयर। अगली जो ट्रेन है मेरी यहाँ से वो लगभग कितनी लेट चल रही है, 6 घंटे लेट चल रही है। देखेंगे, ठीक है ना।